ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं उससे वादा किया। राजनीति में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो हल्के फुल्के अंदाज में कई बार बड़ा इशारा कर देते हैं। ऐसे ही नेताओं में एक हैं राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत। वो कई बार बातों ही बातों में मुस्कुराते हुए बड़ी बात कह जाते हैं। ऐसा ही कुछ 3 जुलाई को हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर पालनहार योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और अपने संबोधन में हल्के फुल्के अंदाज में बड़ा इशारा कर दिया। वहीं उनके इस इशारे से सचिन पायलट खेमे के नेता चिंता में पड़ गए हैं। वहीं अपने बजट भाषण के दौरान गहलोत ने विधानसभा में एक शायरी बोली थी, उस शायरी को भी उन्होंने फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से किया वादा है। साथ ही अपने संबोधन में अशोक गहलोत ने कहा कि आप समझ सकते हो कि मेरी भावना अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा करने की है। चाहे किसी पद पर रहूं या ना रहूं, कहीं भी रहूं, मैं प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मेरी भावना अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा करने की है। उधर राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी युद्ध को पार्टी आलाकमान खत्म करना चाहती है। ऐसी चर्चाएं हैं कि चुनावी साल में कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी में संतुलन बनाए रखना चाहती है। इसके लिए दिल्ली में पिछले 3-4 दिन में बैठकें भी हुई और राजस्थान के नेताओं की पार्टी हाईकमान से मुलाकात भी हुई। हाल ही में छत्तीसगढ़ के TS सिंह देव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसे में चर्चाएं यही है कि जुलाई के पहले सप्ताह में कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। ऐसे माहौल के बीच सीएम अशोक गहलोत ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि वे अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा करते रहेंगे। ऐसे में पायलट खेमे के नेताओं को यही चिंता सता रही है कि राजस्थान की कमान क्या गहलोत के हाथों में ही रहने वाली है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को कोई भी कदम उठाने से फिलहाल रोक रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि हाईकमान ने पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का इशारा कर दिया होगा, तभी पायलट अभी तक शांत बैठे हैं। इतना तय लग रहा है कि इस सप्ताह राजस्थान कांग्रेस में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।